सूरबीन सांप्रदायिक होता है, संगीत बिन सांप्रदायिक होता है। पर ये सही एक पहुंचे हुए शायर के वचन कि हमें और आप हम सबको कोई ऐसी महफिल में बैठना पड़ेगा, तब ये उलझने शांत होगी। काम विरोध पक्ष से नहीं होता, बोध पक्ष से होता। लोकतंत्र केवल विरोध पक्ष रखता है, विरोध ही करना हर बात में विरोध। मैं स्मरण आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय आजकल अमेरिका में, और अपनी माँ को याद करके थोड़े आंसू आ गए, तो उसकी विरोध पक्ष टीका करने, अरे अरे छोटे क्यों होते जा रहे हो। एक आदमी ने माँ को याद किया और आंख में आंसू आया, तो कोई गुनाह हो गया? टूट पड़े, फनी लगता है, बच्चे लगते हैं, बहुत कद छोटा है इन लोगों, मुझे रात नीचे कोई लेना देना नहीं। जरा बोध पक्ष तो रखो। किसको आंसू नहीं आएगा अपनी मां को याद करके? तुम संवेदनाहीन हो चुके। मुझे अखरा ये, लेकिन मुझे क्या राजनीति में थोड़ा मैं प्रवेश, मुझे कोई, मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को भी पता है कि उनके साथ भी मेरी बात होती, तो मैं, वो जानते हैं कि मेरा डिस्टेंस है प्रमाणिक। लेकिन हम कैसा लगता है फनी, ये तो नाटक की है, रोने लगे। अरे पर तारे माँ छे के नहीं? अरे यार कुछ सोचो तो। मैं कोई सियासत की प्रशंसा करने का आदमी नहीं हूं, मुझे क्या लेना देना सियासतों से, क्या लेना देना है मुझे कहा। 10 साल हमारे प्रधानमंत्री महोदय, 10 के 12 साल जितने रहे सीएम, मैं कभी भी गांधीनगर नहीं गया। मैं गया तो प्रवचन के लिए गया, कथा के लिए, क्या हमें लेना देना क्या है। लेकिन सच तो लोकसभा में विरोध पक्ष हो, थोड़ा बोध पक्ष हो, हर बात में निरोध पक्ष, बाधा डालो बाधा डालो, अरे कुछ करने तो दो, समय दो। मैं किसी की सिफारिश नहीं करता हूं, एक भारत के नागरिक के रूप में बोल रहा हूं। सच्च तो सोचो यार, मुझे बहुत छोटे लगे ये बातें करने वाले लोग। प्लीज मेरा रिकॉर्डिंग वो सुने जिन्होंने ऐसे निवेदन डाले। क्या इस देश को बुद्धू समझ रहे हो? यहां कोई सुजान है ही नहीं। यार क्या कहें। और मोदी जी के भाई को आज खुलासा करना पड़ा। इन लोगों ने कहा कि जो बोले, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो बोले कि मोदी साहब ने कहा कि मेरी माँ, हम छोटे थे तब दूसरों के घर में बास बर्तन मांगती थी, कचरा पोता करती थी, कुछ लोगों ने कहा ये गलत है, ऐसा ही नहीं। मोदी साहब के छोटे भाई ने आज निवेदन दिया है कि मैं 5 साल का था, मुझे पता है, मेरी माँ की उंगली पकड़कर दूसरे घर में मेरी माँ कचरा पोता करती, तब मैं साथ में रहता था। अरे यार तुम सत्य तो देखो, चाहे वहां कोई भी हो, हमें क्या लेना देना है। हम दिल्ली वाले नहीं, दिल वाले हैं। क्या लेना देना? 30 साल पहले जिस स्पीच में मैं बोलता था ऐसा है। लेकिन यार दया आती, और क्या करें, बोध पक्ष होना चाहिए, समझ होना है। और हर एक को, मैं कोई किसी का बचाव नहीं करता, सबको निवेदन करना हो तो भी जिम्मेवारी के साथ करना चाहिए, अपने पद की गरिमा देखते हुए करना चाहिए, कहीं दाग न लग जाए। लेकिन दो मिनट हरिनाम लियो, कहां गए हम दिल्ली यार, छोड़ो यार।
और दिल्ली भी अब दिल्ली थोड़ी है, न्यू दिल्ली है, पर तो बिल्कुल नहीं है। कहाँ गए? दो मिनट यार हरि नाम ले लो और छोड़ो ये बात। ये मुझे ठीक नहीं लगा तो क्या? किसी का मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, किसी के विरोध में नहीं। मुझे न समझे तो ना समझे, दोनों ना समझे, ना समझे।